परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में पुण्य का अर्जन, बचपन में माँ की गोद में सोए, एक सूत्र दे रहा हूं बुढ़ापे के लिए, बचपन में माँ की गोद में सोए, जवानी में पत्नी के साथ सोए, बुढ़ापे में परमात्मा के साथ सो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। बुढ़ापे में अब भगवान के सहारे सो, परमात्मा के साथ सो, बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक सूत्र दे रहा हूं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। ध्यान रखिए, रातों की नींद किनकी हराम होती है, जो दिन में गलत काम किया करते हैं। ध्यान रखना, दिन ऐसा बताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। सुबह मुंह दिखाने में वही शर्म करते हैं जो रात को गलत तरीके से जिया करते हैं। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ सुबह मुंह दिखाने में शर्म ना आए। अरे जवानी ऐसी बिताओ बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। जीवन ऐसा बुढ़ापा जियो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ध्यान रखना, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिला करता है। बच्चे को हर कोई प्रेम करता है, जो आता है गाल पकड़ेगा, चुटकी बजाएगा, बच्चे से बात करेगा, गोद में उठाएगा, उछालेगा, इसके लिए बच्चे ने कुछ नहीं किया है। ध्यान रखना, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्रेम अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में प्रेम मांगना पड़ता है। मेरे भाई, यदि गलत तरीके से जिंदगी जियोगे तो बुढ़ापे में आदमी रुपया पैसा नहीं, प्रेम की भीख मांगा करता है। यदि सही जिंदगी जियोगे तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। यदि अच्छे से जवानी जी है बुढ़ापे में, महात्मा गांधी की तरह सारी दुनिया तुम्हें राष्ट्रपिता कहने को तैयार। भव्य पंचामृत फिर होंगे महाविधान, महाउत्सव में डूबेगा फिर बेलगोला, पुण्य कमाओ फिर अवसर आएगा 12 वर्ष के बाद, ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने महामस्तकाभिषेक अब समापन की ओर, 23 से 31 अगस्त 2018 तक जय मंगल महोत्सव, सौभाग्य आपको बुला रहा है।